हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। आइए सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय समझ लें। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1990 में हुआ। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता में कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग, तत्सर आज जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे अपने जीवन जगत में जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। अब आप पाठ का सारांश समझ लीजिए। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह संतोष, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार जी ने भली भांति से समझाने का प्रयास किया है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। बाजार दर्शन श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित
एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी ने निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से यह चित्रित किया है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर हम आवश्यकता अनुसार बाजार का सदुपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से दूर बाजार की चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक तरह से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये कितने लालायित है, कह रहे हैं कि मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद लूं, यही है बाजार का आकर्षण। लेखक बताता है कि एक बार उसका एक मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार में एक मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जब वे लौट कर आए तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान के बंडल थे। उस समाज के असंयमी एवं संयमी दोनों तरह के लोगों की चर्चा इस निबंध में की गई है। कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संयमी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। ऐसे लोग अव्यय न करते हुए केवल आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं। ये लोग ही पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं। लेखक कहता है कि वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। लेखक उसे समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात में लेकर आया है। जो बाजार पूर्ण रूप से सजा धजा होता है वह ग्राहकों को अपने आकर्षण में फंसाकर आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूट लो। ग्राहक सब कुछ भूल जाए और बाजार को देखें। बाजार का आमंत्रण मूक होता है जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है और वह मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। लेखक एक और मित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये मित्र बाजार में दोपहर से पहले गए लेकिन संध्या के समय खाली हाथ वापस आए। अब देखिए दोनों मित्रों में क्या डिफरेंस है। एक इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आए हैं कि उनके पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं है और एक जो है वो खाली हाथ वापस आ गए। उन्होंने खाली हाथ आने का यह कारण बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसीलिए इसी चाह में वह कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। बाजार में जाने पर इच्छा घेर लेती है जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाजार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आंखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है और चुंबकीय जादू के समान मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे, क्योंकि उसे सभी सामान आराम सुख देने वाले प्रतीत होते हैं। लेकिन जादू का असर उतरते ही मनुष्य को फैंसी चोटियों का आकर्षण कष्टदायक प्रतीत होने लगता है, तब वह दुखी हो उठता है। मनुष्य को बाजार में मन को भर कर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की कुएं में यदि पानी पीकर जाएं, गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाएं तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मन लक्ष्य से यदि भरा हो तो बाजार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाएगा। आँख फोड़कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करता है।
संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्णता होती तो वो परमात्मा से अभिन्न महाशून्य बन जाता। अतः अपूर्ण होकर ही हम मनुष्य हैं। सदा सत्य जान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है, तथा सत्य कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। लेखक एक चूर्ण बेचने वाले अपने भगत पड़ोसी के माध्यम से बताते हैं कि उन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते बहुत समय हो गया है, लोग उन्हें चूर्ण के नाम से बुलाते हैं। यदि वे व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचते तो अब तक माला माल हो जाते, लेकिन वे अपना चूर्ण को अपने आप पेटी में रखकर बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने तक बेचते हैं, बाकी जो बचा हुआ चूर्ण है वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत का बाजार जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता, ठीक है ना, क्योंकि ये संयमी व्यक्ति हैं तो बाजार का जादू इन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। यह जादू से दूर पैसे से निर्मोही बन मस्ती में अपना कार्य करता रहता है। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल जा रहा था कि एक मोटर उनके पास से धूल उड़ाती गुजर गई। उनको ऐसा लगा कि यह मुझ पर पैसे की व्यंग शक्ति चलाकर की गई हो। उसके पास मोटर नहीं है ना, इसीलिए लेखक के मन भी आता कि उसने भी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया। लेकिन यह पैसे की व्यंग शक्ति उस चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती। एक बार भगत जी लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को नहीं भेद सका। वे बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटे से पंसारी की दुकान से अपना जरूरत का सामान लेकर चल पड़ते हैं। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपना सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते वे तो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व से, अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य ना तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना बाजार को सत्य लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के हास में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। सद्भाव से होने से बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र।